more now because of your blank. Thank you so much. My pleasure. Okay. Thank you. Okay, so कैसा रहा आपका एसोसिएशन? It's your second year. The neon color run. हाँ. So कैसा रहा आपका एसोसिएशन अब तक का? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था. पहला साल जब स्टार्ट हुआ था तो आई वॉज इंट्रीग्ड कि ये कैसे और क्या होने वाला है. मैंने उस इंट्रीग की वजह से ये साइन अप किया था कि कुछ नया और इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे शुरू से ही ना कुछ अतरंगी नए चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. तो मैं कहीं मैराथन शाम को होने वाला है और एकदम पार्टी म्यूजिक आफ्टर पार्टी होने वाली है ये मैराथन के साथ ही. तो मैंने कभी सुना नहीं था ये कॉम्बिनेशन. सो उस इंट्रीग की वजह से आई साइंड अप द फर्स्ट ईयर टू सी हाउ इट्स गोना हैपन एंड इट वाज क्वाइट कूल एंड फन. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो भी हो रहा था, जो भी दिख रहा था मुझे. जुम्बा हो रहा था एंड यू नो ऑल दीज नियॉन स्टफ, नियॉन कलर्स की चीज़ें, मतलब फुल ऑन पार्टी सेटअप हो रखा है. तो
I was like, okay, this is fun. So I said, agle saal jab again they wanted to renew it, I said, yeah, cool. I mean, it's a fun thing to be associated with. So why not? Okay, you have one unique concept that it's in the night. Yes, yes. Some people are like that, they don't get up in the morning, but it's at night, DJ, neon lights. And especially you are also, so all bheed is going to be 21 cities. So how do you see the concept? What is the new concept? So that's the people who make excuses to get up in the morning. या जिनको लगता है कि यार यू नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, चलो शाम को करते हैं, मतलब शाम को कुछ कर लेंगे, अभी क्या शाम को जिम जाएंगे. कई लोग आ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग नहीं जाते हैं, तो वो सब बहाने ना अब नहीं चलेंगे. सब पता है शाम को पार्टी पे जाना है यार, टाइम नहीं है वर्कआउट करने का. तो अब यहाँ पार्टी भी हो रही है, यहाँ वर्कआउट भी हो रहा है. सो आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज, इट्स गोना वर्क. सो दैट्स व्हाई आई मीन इट्स फॉर ऑल दोज काउच पोटैटोज लेजी पीपल हु कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो नाउ यू डोंट हैव द एक्सक्यूज. Okay, apart from fantastic actors, you are also a fitness icon of our Bollywood. Thank you. So, fitness भी आपका क्या मंत्र है, वो थोड़ा का शेयर करना चाहिए. Actually, fitness मैं अपने experience से ये बोलूँगी कि जब आप fit होते हो ना, you can work more happily. सिर्फ आपकी जो वर्कआउट होगा एंड ऑल सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्प नहीं कर रहा, आपके माइंड को बहुत हेल्प करता है. क्योंकि द काइंड ऑफ यू नो द हार्मोन्स दैट यू रिलीज इन योर बॉडी व्हेन यू वर्किंग आउट रियली हेल्प्स यू स्टे हैप्पी एज अ पर्सन. एंड दिस इज फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं कुछ दिन वर्कआउट नहीं करती हूँ या किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करती हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी सैड बिकॉज द बॉडी इज नॉट यूज टू मतलब कुछ ना करना. बॉडी गेट्स अ लिटिल लेथार्जिक. सो आई थिंक इट्स बेटर फॉर योर ओन हैप्पीनेस दैट यू शुड वर्क आउट, स्टे फिट सो यू कैन वर्क हैप्पीली द एंटायर डे. तभी एक दिन में एक बार ही कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल फिटनेस बट फॉर योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो. एंड आई सजेस्ट प्लीज टेक अप अ स्पोर्ट, बिकॉज आप स्पोर्ट खेलते हो ना जब, तो सिर्फ बॉडी का वर्कआउट नहीं हो रहा, आपके माइंड का वर्कआउट बहुत हो रहा है. क्योंकि स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यू आर प्लेइंग एज अ टीम समटाइम्स, सो योर माइंड एंड बॉडी आर इक्वली इन्वॉल्व व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट. दैट्स व्हाई ऑलवेज सजेस्ट टू प्ले अ स्पोर्ट. ओके डॉक्टर, आल्सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 50 डेज कंप्लीट कर चुके हैं. पहले बहुत जने क्रिटिक्स ने बहुत जने कहा था कि ये शायद तक ना चले, बहुत कम उम्र है और ये प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा उम्र की. सो क्या कहना चाहेंगे, 50 डेज अभी भी सेम? आई होप अब मैं आंसर करना बंद करें हम ये क्वेश्चन के इनको क्यों लिया, तुमने क्यों किया, ऐसा लग रहा है. आई होप अब ख़त्म होगी वो बातें, अब हमसे वो क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते इतने. आई थिंक वो सब जब पिक्चर रिलीज़ हुई थी, हम तब से कहते आ रहे थे पिक्चर एक बार ही देख तो लो, फिर उसके बाद हमारे को बताना कि पसंद आई कि नहीं, वी डिड जस्टिस और नो. आई एम हैप्पी दैट आफ्टर सीइंग द फिल्म, हूएवर हैज सीन द फिल्म हैज़ प्रॉब्ली अप्रिशिएटेड एंड लाइक व्हाट वी डिड. दैट्स वाई मतलब कितनी बड़ी पिक्चर आई थी हमारे साथ, कितनी बड़ी पिक्चर आई हमारे बाद, उसके बावजूद जो पिक्चर लोग सोच रहे थे एक हफ्ते में निपट के निकल जाएगी थिएटर से, इट्स स्टिल रनिंग, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर टू गर्ल्स हु हैव हेल्म द फिल्म प्लेइंग समवन हु इज़ डबल देयर एज और मोर. आई मीन दिस इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट इन आर मतलब मेरी भूमि की हिस्ट्री, हमारी जो होगी वो उसमें तो ये एक परमानेंट होने वाली है पिक्चर. पता नहीं बॉलीवुड की हिस्ट्री में होना हो, हमारी हिस्ट्री में तो ये एच होने वाली है. इसके अलावा जो बहुत उत्सुक है जो लोग हैं वो है जो आप बायोपिक कर रहे हैं मिताली की, सो प्रिपरेशन कैसे करने वाले, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे. क्यों हमने मिताली से भी बात की थी तो वो बहुत एक्साइटेड है, स्पेशल द कवर ड्राइव एंड ऑल. ओह गॉड, वो मुझे स्ट्रेस दे रही है बहुत कवर ड्राइव का. सो मैं प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन की पिक्चर करने वाले हैं, उनकी स्टोरी बताने वाले हैं, तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए बहुत ज़बरदस्त. मैं पहले फिजिकल प्रिपरेशन से स्टार्ट करूँगी क्योंकि मिताली की फिल्म से पहले मैं रश्मि रॉकेट कर रही हूँ, वो स्प्रिंटर की स्टोरी है. सो मुझे वर्क जो मिताली के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी ही पड़ती, फिजिकल बॉडी पे वर्क करना पड़ता, वो मैं रश्मि रॉकेट के लिए शुरू कर दूँगी अभी से ही, मतलब कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर से. एंड देन आफ्टर आई एम डन getting that fitness, stamina, everything in place, उसके बाद मैं क्रिकेट सीखना ऑफिशियली शुरू करूँगी. ओके लास्टली मैम, एक सवाल, हमने सभी ने सुना है कि आपके मन में जो होता है वही आप बोलते हैं, और आपने अभी भी कहा कि जैसे क्रेडिट जो शेयर किया जाता है वो इक्वली जो मिसकोटेड भी हुआ है. सो डू यू थिंक दैट जेंडर पे गैप डज इन एग्जिस्ट इन आवर बॉलीवुड? ऑफ कोर्स इट डज, वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वो हॉलीवुड में भी है. वो हर इंडस्ट्री के अंदर है, सिर्फ बॉलीवुड में. हम कैमरे के आगे आते हैं ज़्यादा, हमारे बारे में ज़्यादा लिखा जाता है इसलिए चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होती हैं यहाँ पे. वो तो है ही है, इवेंचुअली इट्स फॉर अस, आई कीप सेइंग इट्स शो बिजनेस. हमारी पिक्चरें अगर एज फीमेल प्रोटैगनिस्ट ज़्यादा कमाएंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स विल एंड अप पेइंग अस मोर. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ गिव आर फिल्म्स इक्वल चांस. क्योंकि यूजली अगर बड़े हीरो की पिक्चर आती है तो लोग
आंख बंद करके पहले वीकेंड पे देखने जाते हैं कि अरे इसकी पिक्चर आने वाली है, उसकी पिक्चर आने वाली है, तो देखेंगे ही हम तो पहले वीकेंड में. जब फीमेल प्रोटैगनिस्ट की पिक्चर आती है तब लोग रिव्यूज़ की वेट क्यों करते हैं? तब वो क्या कहते हैं, अच्छा पहले रिव्यू देख लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर उसके वर्ड ऑफ माउथ से जाएंगे. सो दैट्स क्वाइट अनफेयर आई फील. अगर देखनी है रिव्यू से ही देखनी है तो दोनों की पिक्चर है फिर रिव्यू से देखो, वरना फिर give us an equal chance, I think then things will change. Okay, lastly, audience ko kya kehna chahega, the neon run jo aane wali hai. For all lazy people, couch potatoes who don't want to wake up in the morning early, humne aapke liye specially ek aisa concept banaya hai ki aap shaam ko aao, matlab party time pe aao, aapko party music milega, after party milegi baqaida, aur saath mein kafi neon cool stuff milega pehenne ke liye, aur fir bhago. Ab koi bahana nahi chalega. So come run with us. Thank you, Daniel. Pleasure talking to you, man. Thank you.